हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं सीधा आईटेक। तो दोस्तों, आज का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हो और आपको यूपीआई आईडी के द्वारा यानी यूपीआई से ट्रांजेक्शन किया गया है तो आपको डेबिटेड मैसेज आ रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो वो मैसेज आने के बाद आपको क्या करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए आपके यूपीआई आईडी से कुछ फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और आपको डेबिटेड मैसेजेज आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है। पहली बात तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टिप्स करके एक फंक्शनिंग निकाला है, जो कि उसके सहायता से आप अपना यूपीआई आईडी ब्लॉक कर सकते हो। तो दोस्तों, टिप्स क्या है ये पूरा मैं बताने वाला हूँ। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो टिप्स, टिप्स मतलब टी मीन्स टोल फ्री नंबर, जो कि टोल फ्री नंबर है 1800111109 पे आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप अपना यूपीआई आईडी ब्लॉक कर सकते हो। दूसरा है दोस्तों IIVRS नंबर है 1800111211, इस पे भी आप कॉल करके अपना यूपीआई आईडी ब्लॉक कर सकते हो। और तीसरा जो है दोस्त, अपना ऑनलाइन जो है ऑनलाइन कंप्लेंट भी आप लॉन्च कर सकते हो cms.onlinesbi.co.in। तो इस पे भी आप CMS कंप्लेंट डाल के अपना यूपीआई आईडी ब्लॉक कर सकते हो। और दोस्तों, लास्ट में है SMS भी आप कर सकते हो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नंबर दिख जाएगा, वो स्क्रीन के सहारे आप अपना SMS जो भी आप टाइप करके उस नंबर पे सेंड कीजिएगा, तो आपका यूपीआई आईडी तुरंत ही ब्लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, यही देना था आपको जानकारी, कि ये छोटा जानकारी है फिर भी आपके लिए काफ़ी काम की जानकारी है, क्योंकि यूपीआई आईडी से कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन कर रहा हो तो आपको इंस्टेंटली मैसेज द्वारा पता चल जाएगा। तो आपको ये स्टेप टिप्स के द्वारा ही आपको ये फॉलोअप लेना है, तो फॉलोअप लेने के बाद आपका यूपीआई आईडी ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसे ही जानकारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़रूर मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद।